जानती हूँ अजीब है कि तुम्हें प्यार है, लेकिन ये बात मैं बता रही हूँ। एक्चुअली हम सालों से एक दूसरे को प्यार करते आए हैं और बाकी सब ये बात जानते हैं, बस हमें नहीं पता था। एनीवे, इट्स नेवर टू लेट। प्लीज अपने दिल की आवाज सुनो, धड़कन खुद बताएगी। तुम्हारा इंतजार रहेगा। आई लव यू। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी फोटोज पसंद आई। दरअसल मेरा नेचर के साथ अभी भी नाता जुड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि नेचर में इतनी सारी चीजें हैं, उसको कैप्चर करना और अरे बस करो। क्या कर रही हो? मैं इंटरव्यू दे रहा था। बाद में बात कर लेना। गुरु माता, आज साड़ी में क्या बात है? मैं पैर छूंगी, तुम आशीर्वाद देना। ओ अच्छा अच्छा, क्या बात है, संस्कारी लड़की बन गई। एक सेकंड ना। सदा क्या आशीर्वाद देते हैं यार, मेरा यार सदा सुखी रहो। जल्दी से तुम्हें एक हैंडसम डैशिंग पति मिले। हाँ हाँ, वही वही, तुम समझ गए ना। ठीक है, जो तुमने बोला वो सदा रहो, ये लो। चुटकी काट रही, नॉटी गुरु माता। क्या नौटंकी है? हाँ हाँ, ये सब क्या लगा रखा है? ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, शादी से पहले होने वाले पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेना। वो तुम्हारा पति नहीं बनेगा। बनेगा क्योंकि घर वालों ने कहा है, बहुत पहले से ही फिक्स है। पर उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। लिसन नित्या, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ओके सूरज, सूरज कैन यू प्लीज कम हियर। सूरज, सूरज एक मिनट एंडिया, मैं बस अभी आया। सूरज, अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? ये सब क्या है? दिए हैं। वेरी फनी, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था वो सब? अच्छा वो सब, अरे इसने मेरे पैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया, देखा जाए तो एक तरह का एक्सचेंज है, ये हम बचपन से कर रहे हैं। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी फैमिली में चलता है। पैर उसी के छुए जाते हैं जिससे तुम्हारी शादी होने वाली हो, तो क्या तुम्हारी शादी इससे होने वाली है? क्या सूरज, मैं इस कंफ्यूजन से तंग आ चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे किस बात का कंफ्यूजन, जानना चाहते हो? प्लीज बताओ। नित्या तुमसे लव करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। सॉरी यार मैं हंस रहा हूँ, पर इस बात पे हंसू नहीं तो और क्या करूँ मैं। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मजाक ही है, और क्या हो सकता है। ओके बताओ, क्या तुम उससे प्यार करते हो? अरे हम सिर्फ दोस्त हैं, उसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अगर उससे प्यार नहीं है तो यही बात उसके सामने कहो ना। निकी, नित्या अभय से प्यार करती है। ठीक से समझाओ। नित्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हम सिर्फ दोस्त हैं। अब तो तुम खुश, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं और नित्या प्यार कर सकते हैं? अब भी इसे मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा। नित्या यार तुम ही समझाओ कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, समझाओ इसे। हम लवर कैसे हो सकते हैं, बस बचपन से साथ रहे हैं, हर सीक्रेट शेयर किए हैं, बस दैट्स ऑल। इसे लव थोड़ी कहते हैं। खुशी या गम शेयर करने से क्या होता है, फीलिंग्स तो शेयर नहीं की ना। कुछ भी नहीं है हमारे बीच। थैंक यू। ये कैसे बिना सर पैर की बात कर रही हो? हम एक दूसरे से प्यार करते होते तो शादी से भागते ही क्यों? अरे कुछ तो सोच के बोला करो। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो प्यार में विश्वास ना हो तो वो टिकता नहीं है, इसलिए तुम जो कहो मैं करूंगा, मैं अपने प्यार को साबित करूंगा। निकी बताओ मैं क्या करूं। अरे ये फिर रोना चालू कर दिया। एक सेकेंड, एक मिनट। निकी, आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी, यस ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू, ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू, ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी। कांग्रेचुलेशन, तुम दोनों सेलिब्रेट करो, मैं जाती हूँ। Ha 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 ha!
ट्रू लव, निक्की तुम सही थी, वो बस मेरा एक वहम था, वो मुझसे प्यार नहीं करता, बहुत बड़ी इडियट हूँ मैं, I'm a fool, I'm such a big fool. ऐसा मत कहो, तुम गलत नहीं थी, तुम उसे प्यार करती हो, तुमने ये महसूस किया है, और इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है. थैंक्स, तुमने सूरज से कुछ नहीं कहा, पता नहीं मैं किस वहम में जी रही थी. I'm really sorry, नित्या. No, I'm sorry. जबरदस्ती अपना प्यार थोप रही थी मैं. मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज. तुम बिल्कुल सही थी. He's yours.